खान और आप देख रहे हैं उल्टा हिप्नोलिज चैनल। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो देखो, वीडियो देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और इसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मुझे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं और वीडियो पर कॉमेंट भी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं कि भाई आप इतने टाइम से कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूँ। 17 नवंबर रात को 11:30 बजे अचानक मेरे घर पे पुलिस आती है और मुझे उठा के ले जाती है। ना ही मुझे पहले से बताया जाता है कि मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे रात के 11:30 बजे घर से उठा लिया जाता है, मेरा फ़ोन मेरे हाथों से छीन लिया जाता है। ना ही किसी को खबर दी जाती है। मैं उनसे बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं कि सर मुझे मेरा फ़ोन दे दो, कम से कम मैं अपने परिवार को बता सकूं कि हाँ मुझे अरेस्ट किया गया है। लेकिन बारंबार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो मेरी एक नहीं सुनते। जिस वक्त उन्होंने मुझे घर से उठाया, उस वक्त मैं और मेरी एक छोटी सिस्टर, जो कि उसके सामने मुझे पुलिस वाले उठा के लेके गए, वो भी रो रही थी। फिर उसने क्या किया, कैसे किया, घर वालों को कब बुलाया मुझे नहीं पता। मुझे 2 दिन थाने में रखा गया था, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती कहाँ और क्या हुई जिसके वजह से मुझे मेरे घर से रात को 11:30 बजे उठा लिया जाता है। शायद मेरी गलती ये रही होगी कि मैं BJP से सवाल पूछता था। हाँ, यही गलती हो सकती है कि शायद मेरा सवाल पूछना किसी को पसंद नहीं आया होगा, उसी ने मुझे रात के 11:30 बजे मेरे घर से उठवा दिया। 2 दिन मुझे थाने में रखा जाता है, 6 दिन जेल में। 8 दिनों के बाद मेरा परिवार कैसे करता है मुझे नहीं पता, किन परेशानियों से गुजरता है, किन किन लोगों ने उन्हें धमकियां दी होती हैं, लेकिन 8 दिन के बाद बड़ी मुश्किलों से वो लोग मुझे बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि मैं ये वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास जो कमेंट मैसेज कॉल्स आ रहे थे बारंबार, आप लोगों को खबर देना था कि अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, और कुछ लोगों को जवाब भी देना था। आज जो बुरा वक्त मुझ पर गुजर रहा है ना मेरे भाइयों, वही बुरा वक्त तुम पे भी गुजरा था, और तुम्हारी उस परेशानी को दूर करने के लिए हमने अपने पूरे पिछवाड़े का जोर लगा दिया था। लेकिन आज जब हम पे वो मुसीबत आई, तो मदद तो दूर की बात है मेरे भाई, तुमने तो फोन रिसीव करना, मेरे परिवार से बात करना तक जरूरी नहीं समझा। अरे मदद ना सही यार मेरे, झूठा दिलासा दे देते मेरे परिवार को कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन नहीं, तुम भूल गए कि कल को तुम पे जब बुरा वक्त आया था तब हम खड़े हुए थे और पूरा पिछवाड़े का जोर लगा दिया था, और आज जब मुझ पे बुरा वक्त आया तो मेरा फोन तक रिसीव करना जरूरी नहीं समझा गया। मैं बाहर आ गया उसके बाद भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा गया। ठीक है दोस्त, तुमने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी है, पहले अपना देखो उसके बाद दूसरे का देखो। जो मदद मैंने करी थी ना, अगर वही मैं आज अपने लिए रखता ना, तो आज मेरा परिवार जो इतनी मुसीबतों से गुजरा है शायद नहीं गुजरता। कितने लोगों के सामने हाथ फैलाए, मदद की गुहार लगाई, झूठा दिलासा दिया, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। ठीक है, सीख गया हूं मैं, और इंशाल्लाह आगे से कभी ऐसी चोट नहीं खाऊंगा। कहते ना, ठोकर लगने के बाद ही इंसान सुधरता है, तो शायद मुझे भी ये ठोकर लग चुकी है और अब मैं भी सुधर चुका हूँ। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो चाहती मेरी मदद कर सकती थी, मेरे परिवार की परेशानियाँ दूर कर सकती थी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों, हमेशा मैंने दूसरों के लिए आपके सामने हाथ फैलाए हैं, हमेशा दूसरों के लिए आपके सामने मदद की गुहार लगाई है, लेकिन आज पहली बार मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। देख लेना, अगर आपको लगे कि आपका भाई सही है तो जो आपको ठीक लगे वो मदद कर देना। अभी मेरा बुरा वक्त है, हजारों की तादाद में लोग हमें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो भाइयों आज मुझे आपके उसी साथ की जरूरत है। मेरे पास हजारों मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, तो आज मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो अब मैं देखता हूं जो मुझे हजारों कमेंट मैसेज कॉल करके बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, वास्तव में अब मेरा साथ कौन देता है। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे,
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल दी हुई है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मदद आपको करनी चाहिए और मैं सही हूँ, तो आपसे जो बने कर देना। ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं है यार, मैं आपसे गिला शिकवा कैसे कर सकता हूँ जब उन्होंने मेरी मदद नहीं की, जिनके लिए मैं आगे बढ़ के अपने पूरे पिछवाड़े का जोर लगा के उनकी मदद करी थी, उन्होंने नहीं की। मैं खैर उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल है इसमें, तो नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, बस मेरा बुरा वक्त है। तो जो लोग मुझे कमेंट मैसेज करके कहते थे हमेशा आपके साथ हैं, तो अब देखना है मेरे बुरे वक्त में वास्तव में मेरा साथ कौन देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, जितने से चाहे उतने से। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूंगा, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, पल पल का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।